हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा अगर हमें पासपोर्ट बनवाना है। पासपोर्ट बनवाने के लिए कौन कौन सा हम कागज लगाएं, कौन सा डॉक्यूमेंट लगाएं जिससे हमारा पासपोर्ट इजीली बन जाए और कोई भी दिक्कत ना आए, मतलब कोई भी परेशानी ना हो पासपोर्ट बनवाने के समय। तो ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट है आज की हमारी यही टॉपिक है। और चैनल पर अगर नए तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट के बारे में तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन डॉक्यूमेंट से पहले इतना याद रखो, जब आप पासपोर्ट अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो तो इतना याद रखना कि सारे डॉक्यूमेंट पर आपका नाम सेम होना चाहिए, आपकी एज सेम होना चाहिए, ये दोनों में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, एक छोटी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर एक छोटी सी भी गलती करते हो तो पासपोर्ट बनवाने में बहुत बड़ी दिक्कत होगी आपको। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आप पासपोर्ट ऑफिस जाओगे, वहां से आपको रिटर्न भेज देंगे, बोलेंगे कि भाई आप अपने इस डॉक्यूमेंट पर अपना नाम सही करवा के आओ, फिर उसमें 15-20 दिन लग जाएंगे, फिर दोबारा जाओगे, फिर कुछ गलतियां, फिर भाई ये एड्रेस में ये चेंज करवा के आओ। तो इसलिए पासपोर्ट अप्लाई करने से पहले आप सारे डॉक्यूमेंट में चेक कर लो कि आपका जो नाम है वो सही है कि नहीं, आपकी जो एज है सही है कि नहीं। अगर ये सही रहता है तब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करो। अब हम बात करते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा पासपोर्ट बनवाने के। तो देखो, सबसे ज्यादा कंपलसरी है अभी आज के टाइम पर ऑल ओवर इंडिया में, अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं, बिना आधार कार्ड के आपका पासपोर्ट नहीं बन सकता। हाँ, कुछ टाइम पहले ये प्रोसीजर था कि आपको आधार कार्ड नहीं लगाना पड़ेगा, आपका पासपोर्ट बन जाएगा, लेकिन अब के टाइम के हिसाब से आपको पता है कि आने वाले कुछ टाइम के बाद जो पासपोर्ट में भी चिप लगा होगा तो इस हिसाब से तो आपके सारे बायोमेट्रिक के डेटा चाहिए होंगे, तो आधार कार्ड तो कंपलसरी है भाई, बिना आधार कार्ड के तो नहीं बनवा सकते। तो आधार कार्ड, और सबसे पहले मैं बता देता हूं भाई, तीन ही डॉक्यूमेंट लगते हैं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मीन्स आपका कोई पहचान पत्र, आपका कोई एड्रेस प्रूफ, आपका कोई जन्म तिथि, जन्म प्रमाण पत्र, जहां पर वो प्रॉपर लिखा हो कि हाँ आपका जन्म इस समय, मतलब जन्म तिथि ये है। तो इस डॉक्यूमेंट के लिए आप जो है, देखो पहचान पत्र में वो सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे जहां पर आपका खुद का फोटो हो और वो कोई डॉक्यूमेंट हो, जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटिंग कार्ड हो गया, ये सारे तीनों डॉक्यूमेंट को आप एज अ आइडेंटिटी प्रूफ में यूज कर सकते हो, जो आपकी पहचान दर्शाते हैं। उसके बाद आपको यूज करना है प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप अपना आधार कार्ड को भी यूज कर सकते हैं और आप अपने वोटिंग कार्ड को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह पर एड्रेस लिखा होता है। और एड्रेस प्रूफ में आप जो है अपना मार्कशीट, मतलब कि इलेक्ट्रिक बिल, रेंट एग्रीमेंट, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल डॉक्यूमेंट है जिसे आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो आधार कार्ड को भी आइडेंटिटी प्रूफ में यूज करो और एड्रेस प्रूफ में, तो ये पॉसिबल नहीं, एक ही चीज को दो चीज में नहीं यूज कर सकते हो, मतलब आपको तीन डॉक्यूमेंट तो देना ही पड़ेगा। तो एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ में आपने आधार कार्ड दे दिया और एड्रेस प्रूफ में आपने इलेक्ट्रिक बिल दे दिया। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है डेट ऑफ बर्थ, अब ये कहां से प्रूफ हो, तो डेट ऑफ बर्थ में भी आपके वोटिंग कार्ड, आधार कार्ड एंड आपका जो है मार्कशीट, ये तीनों जगहों पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है, तो जन्म तिथि की अलग से कोई जरूरत नहीं पड़ती, इन सारे डॉक्यूमेंट से ही आपका डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई हो जाता है। तो ये तीन ही डॉक्यूमेंट लगते हैं। और एक बात, मार्कशीट उनकी लगती है जो ECNR पासपोर्ट में बनवाते हैं, मतलब कि मार्कशीट वो लोग लगा सकते हैं जो ECNR में बनवाते हैं, जिनके पास मार्कशीट है उनका ECNR में बनता है, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन जो लोग अब मार्कशीट नहीं लगाते हैं उनका पासपोर्ट ECR में बनता है, तो उन्हें बस तीन ही डॉक्यूमेंट लगाना है, आधार कार्ड हो गया, इलेक्ट्रिक बिल हो गया, और एक डॉक्यूमेंट और को यूज कर लो, वोटिंग कार्ड, बस तीन डॉक्यूमेंट। और जो लोग मार्कशीट लगाते हैं वे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट में मार्कशीट लगा दो। और एक चीज और याद रखो, अगर आप सोच रहे हो पासपोर्ट जल्दी चाहिए भाई तत्काल के लिए अप्लाई करो, जैसे सोच रहे हो कि 15 दिन महीनों दिन के अंदर आ जाए तो तत्काल के लिए अप्लाई करो। कभी कभी देखो फ्रेश पासपोर्ट भी 15 दिन के अंदर अंदर आ जाता है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वो रुक जाए तो फिर भाई बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर बहुत जल्दी पासपोर्ट चाहिए तो भाई आप
तत्काल में पासपोर्ट अप्लाई करो। तो जिसका रेट है 1500 नॉर्मल पासपोर्ट का है और 2000 और ऐड कर दो तत्काल पासपोर्ट का, तो 3500 रुपए में आपका तत्काल पासपोर्ट का फी लगेगा। इसको आप ऑफिशियल तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो घर बैठे बैठे, आप खुद passport.gov.in पर जाकर आप खुद से अप्लाई कर सकते हो, या फिर YouTube पर सर्च कर सकते हो पासपोर्ट सेवा, तो वहां पर भी आप जाके मतलब कि अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप अपने फोन से ही अप्लाई कर सकते हो। आपको प्ले स्टोर पर जाना है, वहां पर सर्च करना है एम पासपोर्ट, वहां पर भी जाकर आप अप्लाई कर सकते हो और वहां पर फी कैलकुलेट भी कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, तो आप जाकर मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हो, वहां पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। उम्मीद है कि आपसे मतलब आपको जो भी जानकारी चाहिए थी सारी जानकारी आपको इस वीडियो मिल गई होगी। और एक बात और भाई, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।